सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं, तो आज हम मैंगो आइस बनाने वाले हैं। आप इसको आइसक्रीम भी कह सकते हो, मैंगो की केक भी बोल सकते हो। तो मैंने दो आम लिए हैं इस तरीके से। अब मैं एक आम को मिक्सी में पीस लूँगी दूध ऐड करके, और एक के पीस कर लूँगी छोटे छोटे कट। और मैंने इस तरीके से 8-7 ब्रेड लिए हैं, मैंने किनारे हटा दिए हैं ब्रेड के। एक गिलास मैंने दूध लिया है और एक कप चीनी ली है मैंने, एक कप मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है। तो चलिए मैं आपको रेसिपी बताती हूँ किस तरीके से बनाना है हमें। फ्रेंड, ये मैंने घर पे ही बनाया है, तो आपको जो रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में बोल देना मेरे से, मैं आपको रेसिपी दे दूँगी। तो फ्रेंड, मैं इसको छील रही हूँ, इसको मुझे चॉप करना है, आम को छोटे छोटे पीसेस काटने हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से कट कर रही हूँ छोटे छोटे। देखिए छोटे छोटे इस तरह से, पहले तो ऊपर से हटा लें। एक आम का हमें इस तरह से चॉप करना है। मैंने सारे पीस इस तरीके से कैसे काट लिए हैं। और एक और आम लिया था मैंने, तो इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया। मैं इसमें एक गिलास दूध डालने वाली हूँ, तो एक गिलास मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है फुल क्रीम, और ये चीनी ऐड कर दी है। तो 2 से 3 मैं कंडक्ट मिल्क चम्मच ऐड करने वाली हूँ इसमें। मीठा तो मैंने ऐड कर दिया है, जो आपको हल्का मीठा लगे तो आप और भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड, मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। 3 से 4 चम्मच मैंने क्रीम ली है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम क्रीम को। 2 चम्मच मैंने इसमें कंडक्ट मिल्क मिला दिया है, और थोड़े से हम इसमें आम का जूस मिला देंगे। इसमें मैंने 3 से 4 चम्मच कंडक्ट मिल्क डाल दिए हैं, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने आम का इस तरीके से जूस बना लिया है, ये देखिए। तो हमें इस तरीके का बाउल एक और लेना है। अब इसमें हमको तुम्हें सेट करके दिखाते हैं किस तरह से करना है। तो मैंने ब्रेड लिया है, अब इसमें मैं डिप कर दूंगी इस तरह से। हम इसको आपको निकाल कर दिखाती हूँ। अब मैं इस तरह से इसमें सेट कर दूंगी। एक और ब्रेड लिया है मैंने, दूसरा भी इसी तरीके से कर दूंगी। सारे ब्रेड में इसी तरीके से कर इस तरह इसमें लगा दूंगी सारे ब्रेड। तो फ्रेंड, मैंने एक इस तरह से जमा ली है। अब मैं इसके ऊपर ऐड करने वाली हूँ चॉप किया हुआ आम। इस तरह आप सारे में लगा दें, सारे में फैला दें अच्छे से। अब मैं इसी तरह एक और ब्रेड लूँगी, इसी तरह इसमें डिप करूँगी, और फिर इसके ऊपर निकाल कर इसको रख देंगे। तो देखिए, मैंने इसी तरह से तय लगा लिया। अब इसके ऊपर हम गेरने वाले हैं यही, तो हम अच्छे से मिला देंगे, हम इसको फैला देंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम लगती है, एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिए, और ज़रूर से ज़रूर मुझे बताना कमेंट में। फ्रेंड, मैंने मलाई ली थी, तो मैं इसी तरह इसके ऊपर मलाई भी ऐड करने वाली हूँ। आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, जो पसंद हो आपको। तो हम इसमें ऐड करने वाले हैं ऊपर से सजाने के लिए पिस्ता चॉप किया हुआ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो भी डाल सकते हो, मुझे यही पसंद है तो मैंने ये पिस्ता डाला आइसक्रीम के लिए। तो 3 से 4 घंटे के लिए हम फ्रिज में जमाने के लिए इसे रख देंगे, जिससे कि बहुत अच्छी चिल्ड हो जाएगी। फिर मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ कितनी यम्मी बनी है मेरी आइसक्रीम। फ्रेंड, मैंने 3 से 4 घंटे के बाद फ्रीजर में से निकाल लिया है अपनी आइसक्रीम, तब मैं आपको डिश आउट कर दिखाती हूँ। आप एक साइड से काटें इस तरह,
लैंड मैंने ही खा कर देखा, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनी है मेरी मैंगो आइसक्रीम। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार दें। अल्लाह हाफिज़।